दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया के हर देश की सबसे बड़ी चिंता यही है, भारत की भी। इस वायरस से संक्रमित लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कोविड-19 के 5% मामले बेहद गंभीर होते हैं, जिनमें मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये वेंटिलेटर भारत में बहुत कम है। वेंटिलेटर ऐसे डिवाइस होता है जो उन मरीजों को सांस लेने में मदद करता है जिन्हें खुद से सांस लेने में दिक्कत आती है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में मरीज खुद से सांस नहीं ले सकते, उन्हें वेंटिलेटर जैसे डिवाइस की जरूरत होती है। कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किए जाने वाले वेंटिलेटर की कीमत 5 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक होती है। ये कीमत डिवाइस के मॉडल और कंपनी पर निर्भर करती है। भारत में कुल कितने वेंटिलेटर हैं इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ दें तब भी 50,000 से कमी है। भारत ने करीब 10 दिन पहले ही 12,000 वेंटिलेटर ऑर्डर किए हैं। हाल ही में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में भारत को 10 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। ये स्टडी सरकार के लॉकडाउन वाले डिसीजन से पहले ली गई थी। भारत ने वेंटिलेटर के एक्सपोर्ट पर 19 मार्च को बैन लगा दिया था। इसी बीच सरकार ने मास्क सहित संबंधित मेडिकल उपकरणों को भी एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिया था। वेंटिलेटर में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें बेची जाती रहीं। 24 मार्च को पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की। इसके साथ ही सारे वेंटिलेटर, कोई भी आर्टिफिशियल सांस लेने वाली मशीन, ऑक्सीजन थेरेपी सहित उन सारे डिवाइसेस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया जो सांस लेने में लोगों की मदद करता हो, क्योंकि भारत में पहले से ही वेंटिलेटर की कमी थी। अब IIT हैदराबाद के प्रोफेसरों की एक टीम ने वेंटिलेटर के बदले बैग वॉल्फ मास्क को इस्तेमाल करने को कहा है। IIT हैदराबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर BS मूर्ति ने कहा है कि बैग वॉल्फ मास्क के इस्तेमाल को लेकर कई ऐसे देश सोच विचार कर रहे हैं जहां बिजली और खर्च को लेकर दिक्कतें हैं। बैग वॉल्फ मास्क के इस्तेमाल को लेकर मूर्ति के सहयोगी प्रोफेसर V ईश्वरन ने कहा है कि छोटे डिवाइसेस होते हैं ये जो सांस लेने में मदद करते हैं। ये सस्ते होते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं और इमरजेंसी वाले हालत में जीवन देने का काम करते हैं। बैग वॉल्फ मास्क हाथों से कंट्रोल किए जाते हैं, इन्हें वेंटिलेटर के रूप में लगातार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मूर्ति बताते हैं कि इसे दोबारा डिजाइन करने की जरूरत है ताकि ये बैटरी से पावर ले सके। हमारा अनुमान है कि इसे 5,000 से कम खर्च में बनाया जा सकता है, एक पारंपरिक मशीन के खर्च की तुलना में इसका 1/5। माने एक पारंपरिक वेंटिलेटर की तुलना में 100 बैग वॉल्फ मास्क बनाए जा सकते हैं। 60 लाख ऐसे डिवाइस बनाने के लिए 60,000 पारंपरिक मशीन से भी कम पैसे लगेंगे। IIT हैदराबाद में पहले से ही ऐसे कई डिजाइन प्रस्तावित है। IIT हैदराबाद ने केंद्र सरकार से इन ऑप्शनल डिवाइस के उत्पादन को लेकर एक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया है। कोरोना वायरस से डर और संक्रमण के आशंकाओं के साथ ग्रामीण इलाकों तक वेंटिलेटर मशीनों को पहुंचाना आसान नहीं होगा। IIT हैदराबाद के ऑप्शनल बैग वॉल्फ मास्क वाला प्रस्ताव एकमात्र प्रस्ताव नहीं है। नोएडा की एक स्टार्टअप कंपनी ने पोर्टेबल प्लग टू प्लग वेंटिलेटर बनाया है जो पुराने तरीके से काम नहीं करते हैं। इन्हें इंस्टॉल करने में खास झंझट नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का टारगेट कोरोना वायरस से हो रहे संक्रमण को देखते हुए 20,000 यूनिट पोर्टेबल वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर करना होगा। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।